बड़ा शुभ दिन है। रवि चौक जी हैं तो सादे वस्त्रों में, लेकिन अंदर से पूर्ण संत हैं। कृपा गुरु महाराज जी की, आर भगवान की, सुचंदन जी महाराज, हम धर्मन जी सब ने उनकी परिवार पर सुंदर है। बात चली है कृपा पर, कृपा जैसे अभी खन्ना जी बता रहे थे, दिखती नहीं है पर होती है। हम सब पर हमारी वही कृपा महसूस होती है। हमारा सब कुछ बना बनाया है, कृपा है, सब कुछ है। थोड़ा सा जो काम हमने करना है वो कृपा अपने ऊपर कुछ खुद भी करनी है। गुरुमा की कृपा की कोई हमारे पर कमी नहीं है। सारे काम घर के, बाहर के, दफ्तर के, सारे वो कृपा से संभालते हैं, पर हम शुक्राना करना कभी कभी भूल जाते हैं। शुक्राना करना है कृपा महसूस करनी है, और अपने आप को हमने उनके लायक बनना है। उनके लायक कैसे बन सकते हैं? महापुरुष सारे बैठे हैं, ये हमें बताते हैं कि हमें उनके लायक कैसे बनना है। अपने व्यवहार से, अपने प्रेम विचार से, जैसे हमारे निरंकारी समाज में अपने गुरु भाई के पहुंच होते हैं, इनमें निरंकार है। गुरु महाराज जी सबके अंदर है, वो हमें महसूस करना है। सब में गुरु महाराज जी को देखना है, उनकी कृपा तो है ही, उनकी लीलाएं एक से एक बढ़कर सबके दिलों में है। सब क्या कहते हैं, भुगत भोगी है कृपा, लेकिन हमने जो मेन चीज है वो ये है कि कृपा के अलावा हमने क्या किया। जैसे भूख धारण करने के वक्त हम क्या करते हैं? नारियल भेंट करते हैं, क्या मतलब ये शीश? वो जो हम शीश भेंट करते हैं उसमें सब कुछ आ जाता है, तन मन धन, ये गुरुमा जी आता है। अब देखना ये है कि तन मन धन हमने सचमुच दिया है, सोचो जरा, नहीं, यहां कहीं कमी आ जाती है। कहते तो हैं हमने तन मन का अर्पण कर दिया, क्या हमने सचमुच किया है? हम कहीं ना कहीं अपने बच्चों से कहीं ना कहीं मोह ममता में फंसे रहते हैं। कई बार मैं सोचता हूं इसका क्या इलाज है? मोह ममता त्यागने का कोई इलाज है? इसका इलाज ये है कि मन अर्पण किया है, मन के साथ अपनी मुंह वाली जो चीजें हैं वो भी हम गुरु महाराज जी के अर्पण करते। गुरु महाराज जी, ये मेरे बच्चे, ये मेरा परिवार, ये मेरा मकान, ये सब कुछ जो है आपका, मैं तो सिर्फ इसको आपकी आज्ञा से इस्तेमाल कर रहा हूं। मन से मन दे दिया तो ठीक है। एक बार स्वामी जी धर्मानंद जी महाराज
वैसे मेरे मन में आया कि मैंने क्या लिया है, कुछ नहीं लिया, मैंने एक कागज में लिख के ये मकान, ये गाड़ी, ये मेरे बच्चे, मैं आपको अर्पण करता हूँ। बैठे बैठे वो कागज मैंने उनको दे दिए, उन्होंने पढ़ा, ऐसे करके मेरे को बस मुझे क्या करना। जो पूर्ण गुरु है उसको कुछ नहीं चाहिए, जो गुरु है शिष्य वो जो गुरु को सब कुछ दे, और गुरु वो शिष्य से कुछ ना दे। उनको तो सिर्फ एक ही काम है, हमारा घमंड निकाल के हमारे को सीधे रस्ते पर, बस इतना सा काम। प्रैक्टिकल जो है वो मैंने तो मन में सोचो कि सब कुछ दे रहा है दे रहे। आप बच्चे कहते हैं स्वामी जी को, ये कहते हैं ना डायरेक्ट डायरेक्ट ट्रेन करते, किसी बच्चे को कोई सिफारिश नहीं करता। बस जीवन को बनाना है, और मेन जो मैं रोज कहता हूँ, हमारा व्यवहार व्यवहार ऐसा हो कि लोग हमसे आके पूछें तुम्हारे गुरु को, कहीं भी समाज में कहीं भी जाए, कृपा बनी है बनी रहेगी, उसमें कोई कमी नहीं। अपने आप को हमने बनाना है, अपनी कमियों को दूर करना है, विश्वास को पक्का करना है, तो बात बनते फिर नहीं। तो मैं ज़्यादा ना समय लेता हुआ मान कुछ बैठे हैं, इनके सुनिए तो मैं चौक जाता हूँ।